बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। चैप्टर टू केमिकल कॉम्बिनेशन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेक्चर 23 पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 कर चुके हैं। नहीं देखा तो बराए मेहरबानी वो देख लें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसके आप देख लीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझ में नहीं आएगी आपको, मैं आपको बोल के रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं हूँ आसिफ रोज़ा। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, लेक्चर नोट करना है आपने और मुस्कुराते रहना। ठीक है, चलो सीखते हैं क्या है ये। ये आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 35 पे दो एग्जांपल्स दी हुई थी, किस हेडिंग के थ्रू? कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अमाउंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अमाउंट से मतलब मोल भी हो सकता है, अमाउंट से मतलब मास भी हो सकता है। ये सारी तफसीलात तीन पार्ट्स में हो चुकी हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसकी प्रॉब्लम टू की तरफ चलते हैं, जो इसी में नीचे दी हुई है। मैं लिख रहा हूँ, वॉट मास ऑफ H2O, वॉट मास ऑफ H2O वेपर्स यानी कि हाइड्रो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा, विल बी फॉर्म्ड। वॉट मास ऑफ H2O वाटर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा पिछले लेक्चर पार्ट 3 का हवाला थोड़ा सा देना ज़रूरी है। वाट मास ऑफ H2O, पहले आपसे बोल क्या रहा है, आप डेटा बनाएं ज़रा, क्योंकि डेटा बनाए बगैर आपको चीज़ समझ में नहीं आती। डेटा में गिवन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन मार्क। गिवन कुछ है ही नहीं आपके पास, गिवन कुछ है ही नहीं। डायरेक्टली उसने क्या बोला है, वाट मास ऑफ वाटर वेपर विल बी फॉर्म्ड, ये उसने बोला है। लेकिन अगर इसका पार्ट वन देखें, उसमें उसने दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स के अंदर जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी कभी नहीं होती, तो हमें पार्ट वन पार्ट टू वो पार्ट वन की ही इन्फॉर्मेशन को इनडायरेक्ट वे में बता रहा होता है कि उसी को आप यूज़ करें। तो पार्ट वन के अंदर हमें 10 मोल्स दिए गए थे, 10 मोल्स ऑफ, किसके 10 मोल्स दिए गए थे आपको? CH4 के, ये गिवन है, तो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास मौजूद है। ठीक है भाई, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो नहीं देखा तो प्रॉब्लम होगी आपको। अच्छा, उसके बाद इसमें जो पूछ रहा है आपसे, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड जो है वो मास आपसे पूछ रहा है, मास ऑफ H2O, ये आपसे वो जानना चाह रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाती है, वही बात, मोल उसने दिए हुए हैं, मास पूछ रहा है, मोल दिए हुए हैं, मास पूछ रहा है। यहाँ पर आप कोई मैनुअल तो फाइंड आउट करेंगे नहीं, फॉर्मूला जो है वो भी आप नहीं लगाएंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब की सब आपने करनी होती है। किसकी मदद से? इक्वेशंस की मदद से करनी होती हैं, और इक्वेशन जो है वो आपको वो दे देता है। जैसे कि ये इक्वेशन मौजूद है, क्या है? CH4 यानी कि मीथेन गैस जो है वो बर्न हो रही है, ऑक्सीजन गैस की मदद की मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये कम्बशन प्रोसेस है सारा का सारा, इसकी तफसीलात जो है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर बता चुका हूँ, वीडियोस मौजूद हैं, देख लीजिएगा। तो ये इक्वेशन उसने हमें दी हुई है, 10 मोल्स उसने हमें मीथेन के दिए हैं, येरा मीथेन। ठीक है, और मास वाटर का पूछ रहा है, और वाटर का है येरा। यानी कि थोड़ा सा गौर करें आप, कि इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट एक, उसके भी मोल दिए हुए हैं, और प्रोडक्ट का मास पूछ रहा है आपसे। हम अपने प्रोसीजर को वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हमने 3 पार्ट्स में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले इक्वेशन को चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कार्बन है यहाँ पर, हाइड्रोजन है यहाँ पर, और ऑक्सीजन है यहाँ पर। कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 एटम है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के भी 4 एटम है। जो यहाँ लिखा है एज इट इज़ यहाँ लिखिए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन यहाँ पर कितना है देखें, 1 है, ऑक्सीजन 2 ये रहे, और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन ये हो गए, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ये रहे। तो कार्बन एक, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन चार। इक्वेशन तो बैलेंस है, यानी कि स्टेप नंबर 1 आपका हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं,
नोट करते रहिएगा वीडियो को रोक रोक के, मैं तो यहाँ रोक नहीं सकता। मोल रेशियो निकालें, मोल रेशियो मीथेन का एक मोल प्लस दो मोल ऑक्सीजन के और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और दो मोल वाटर के। मास रेशियो निकालें तो मीथेन का कितना बनेगा, कार्बन का 12 एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन 4 एटम है, तो 12 और 4 16 ग्राम ये हो गया, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया 64 ग्राम। एरो बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना है, दो ऑक्सीजन के आइटम है तो एक का 16 और दूसरे का भी 16, 16 और 16 32 यानी कि 32 और 12 कितना हो गया 44 ग्राम, प्लस वाटर का यहाँ पर कितना है 36 ग्राम। किस तरह से, हाइड्रोजन के 4 एटम है, 4 हो गया इसका एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के 2 एटम है, 16 प्लस 16 प्लस 4 कितना हो गया 36 ग्राम। तो ये तीनों काम हमने कर लिए, इक्वेशन को बैलेंस है या नहीं है वो भी चेक कर लिया, नंबर 2 पे मोल रेशियो भी हो गया, नंबर 3 पे मास रेशियो भी हो गया। अब तीन पार्ट में जो भी हमने सॉल्व किए हैं उस उनमें और इस चौथे पार्ट में बुनियादी फर्क क्या है, इसको जरा समझिए। बुनियादी फर्क ये है कि उसने अगर हमें मोल दिए थे तो मोल ही पूछ रहा था, मास दिया था तो मास ही पूछ रहा था, ऐसा नहीं हुआ था कि उसने मोल दिए हों और मास पूछ रहा हो या मास दिया हो मोल पूछ रहा हो। इसमें क्या करेंगे, जरा ध्यान लगाइएगा कि इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर अब आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, फॉर्मूले की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्मूले की। कौन सा फॉर्मूला है भाई, कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास भी और मोल भी है, वही यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक ऑब्लिक फॉर्मूला मास। ये सारी तफसीलात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ भी कई दफ़ा कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, देख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी, आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है, आप अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर जाके आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं शॉप पे कुछ ख़रीदारी करनी है, लेकिन वो शॉपकीपर आपको कुछ देता नहीं है, बोलता है कि यहाँ पर डॉलर्स चलते हैं पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलेगी, तो आप क्या करेंगे, आपके पास मसले का हल मौजूद है कि पाकिस्तानी करेंसी को मनी एक्सचेंजर के पास जाके एक्सचेंज करवा के डॉलर ले लेंगे। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, जब मोल की बात है तो मास पूछ रहा है आपसे, तो अब आप क्या करें, आप इन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लें, वेरी सिंपल, बस ये रहा फॉर्मूला, इसकी मदद से आप ये मोल्स को मास में पहले कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू ये रहा मास इन ग्राम, आपको फाइंड आउट करना है, इसको इसी तरह रखिए, मास इन ग्राम में नहीं लिख रहा, सिर्फ मास लिख रहा हूँ, नीचे क्या है एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास जो है वो आएगा। अब यहाँ पर मीथेन क्योंकि है तो मीथेन का हमारे पास जो है वो ये रहा फॉर्मूला मास 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, ये रहा मास आपका टारगेट। पहले सिखा चुका हूँ सब कुछ कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको इक्वल के साइन के या तो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करें, अलोन करें, अकेला करें, ये 16 इसके साथ डिवाइड के फॉर्म में मौजूद है इसलिए मास अकेला नहीं है, इस 16 को यहाँ से निकालें और इक्वल के साइन के इस साइड पर ले आएं, ये ले आए, और जैसे ही आप इसको यहाँ लेके आएंगे ये 10 के साथ क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि रूल ही ये है जो चीज़ एक साइड पर डिवाइड होती है दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 10 को 16 कितना हो गया 160, कितना हो गया 160 ग्राम ऑफ CH4, 160 ग्राम CH4 जो है वो आपके पास आ गया। अब तो मसला हल हो गया, अब टेंशन नहीं है, ये 10 मोल्स जो हैं मीथेन के आपके किसमें कन्वर्ट हो गए, 160 ग्राम जो है वो आपके उसमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है भाई। अब क्या करना है, ये जब आपके पास पता चल गया, अब हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं H2O का, क्या कर सकते हैं, मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं H2O का। अब हम वो मेथड अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, याद आ गया,
उनको याद आ जाएगा जिन्होंने पहली तीन वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी उनको नहीं याद आएगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या अब हम देखेंगे, अब 10 मोल्स जो मीथेन के इनका हवाला नहीं देंगे, इसका हवाला देंगे हम, इसका 160 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर लिखेंगे 160 ग्राम ऑफ मीथेन मेक, सॉरी फर्स्ट पॉइंट पे तो हम इक्वेशन का हवाला देंगे ना, कि इक्वेशन में कितने ग्राम जो है वो मीथेन, ये टारगेट है आपका, इसको ज़रा साइड में कर लें। और ये रहा आपके पास वाटर, बाकी ये बेकार है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बेकार है। 16 ग्राम मीथेन गैस जो है वो कितने ग्राम वाटर बना रही है, 36 ग्राम बना रही है। तो यहाँ पर बोलेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन मेक्स 36 ग्राम ऑफ H2O। ये यूनिटरी मेथड है, राइट। इसका स्टेप नंबर 2 1 ग्राम का आ जाता है, याद है मैंने बताया था, 1 ग्राम ऑफ CH4 मेक्स, इक्वल का निशान लगाएंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ नीचे लेके आएंगे 36, जो शुरू में लिखा हुआ है 16, इसको यहाँ लेके आएंगे और इसको इससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, अब डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करने की ज़रूरत है, जिसकी मेरे पास जगह नहीं है, मैं जगह बना लेता हूँ, ये यहाँ पर जगह बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। कैलकुलेटर का यूज़ कम ही करना चाहिए, 36 और 16 काट ले, मेरे ख्याल में कट रहा है, ये 2 के टेबल से जा रहा है, 2 8 16, 2 1 2, 1 इसके साथ आया 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 4 8, 2 9 18, अब क्या आ गया आपके पास 9/4, अब मज़ीद नहीं कट रहा है ये, तो इसके लिए क्या करें, 9 को अंदर रखें, 4 को बाहर रखें, 4 2 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, पॉइंट लगाएं 0 आ जाएगा, 4 2 8, फिर आपके पास 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ, फिर ले लें 4 5 20, हो गया भाई ये मसला हल। तो 2.25 आपके पास इसका जवाब आ गया, कितना 2.25 ग्राम किसका ऑफ H2O ये आ गया। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलेंगे, मीथेन कितना दिया हुआ हमें 160 ग्राम दिया हुआ, तो 10 मोल था, कन्वर्ट कर लिया, अब 160 ग्राम को लेके आएंगे, 160 ग्राम ऑफ मीथेन मेक। थर्ड स्टेप में याद करें, सेकंड स्टेप में जो जवाब आया है उसको लिखेंगे 2.25 मल्टीप्लाई बाय जो गिवन है, इसको यहां लेके आएंगे 160, और 2.25 को जब 160 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा आपके पास, आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 360 ग्राम, कितना बन जाएगा 360 ग्राम ऑफ H2, हो गया फाइंड आउट। ठीक है भाई, ये H2O 360 ग्राम H2O आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से ये आज हमने जो है वो एग्जाम्पल्स को फाइनल कर लिया। बुक के लास्ट में जो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइजेस होंगी, इंशाल्लाह हम उसको करेंगे उन एक्सरसाइजेस को, ठीक है, तो मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक जो जितनी प्रॉब्लम हमने की हैं वो सिर्फ ये एग्जाम्पल्स हैं बस, अभी तो इनको और हम आगे लेके चलेंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रहे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आसिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, अगर अभी आपने इसके ऊपर ग्रिप ना की तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, किस जगह पर, कॉलेज में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।